दोस्तों, आज हम फुकरे 3 फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू करेंगे। बॉलीवुड में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो दर्शकों के दिलों और जुबान पर एकदम से छा जाती हैं। उनमें से एक फुकरे है। इस फिल्म के 2 पार्ट आ चुके हैं और फैंस को अब तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार है। लगातार अपनी रिलीज डेट में बदलाव करते हुए यह फिल्म 28 सितम्बर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फुकरे सीरीज के चूचा भोली पंजाबन, लाली और हनी ने अपने रोमांचक अभिनय से पहले से ही फैंस के दिलों में जगह बना रखी है। अब फुकरे 3 में उनके साथ पंडित जी के रूप में पंकज त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं, जो फुकरों की गाड़ी को सफलता के पटरी पर चलने में अहम योगदान प्रदान करेंगे। हालांकि इस फिल्म में अली फजल आपको दिखाई नहीं देंगे। ट्रेलर के शुरुआत में उसी स्कूल के दर्शन कराए जाते हैं जहां पुलकित सम्राट उर्फ हनी और वरुण शर्मा उर्फ चूचा बार बार फेल हो रहे थे। उसके बाद शुरू होता है चूचा का असली खेल, जिसमें अनाप शनाप बातें करके लोगों को गुदगुदाते हुए नजर आता है। उसके कारनामे आपको हंसा हंसा कर पागल कर देंगे। फिल्म में ऋचा चड्ढा उर्फ भोली पंजाबन इस बार राजनीति के मैदान में उतरती हैं और दिल्ली से चुनाव लड़ती हुई नजर आती हैं, और उनके अपोजिट में सबसे लोकप्रिय कलाकार चूचा को इलेक्शन में खड़ा किया जाता है, क्योंकि अगर भोली पंजाबन चुनाव जीत जाती हैं तो दिल्ली वालों का तो बेड़ा गर्क हो जाता। परंतु चूचा एक नंबर का सनकी और दिमाग से पैदल इंसान होता है। वह हमेशा अपने सपनों की दुनिया में खोया रहता है, परंतु हनी चूचे की आँख और पंडित जी उसका अक्ल बनने की ठान कर उसे चुनाव जिताने में लग जाते हैं, और उसमें पैसों की कमी भोली पंजाबन के 2 टट्टू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भोली पंजाबन के चंगुल से निकलना होता है। इधर चूचा अपना प्रचार एक आर्मी टैंक में बैठकर करता है। चूचा को जीता देखकर भोली पंजाबन उन्हें सताना शुरू करती है, परंतु मरने की स्थिति में भी चूचा सबको अपनी बातों से हंसाता रहता है। ट्रेलर के अंत में फ्लाइट वाला सीन आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगा। धन्यवाद दोस्तों।